नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग जानते ही हैं कि मीत अलावत के फादर की तबीयत इस समय बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि एक एक्सीडेंट के बाद में जो कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। लेकिन दोस्तों, वहीं मीत हुड्डा को पहले से ही अंदाज़ा हो गया है क्योंकि मीत हुड्डा को अंदाज़ा हो गया है कि कुछ बुरा होने वाला है। और वाकई में दोस्तों, जैसे ही राजवर्धन की खबर मिलती है, राजवर्धन इज नो मोर, यानी राजवर्धन जी हमारे बीच में नहीं रहे, और जिसके बाद में मीत हुड्डा बहुत ज़्यादा रोती हुई नज़र आती है कि मेरे पापा जी को भगवान, ऐसा नहीं कर सकते तुम। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और भी है कि मीत अलहवत ही था वो जो मनमीत पहलवान के भेष में था। जी हाँ, क्योंकि मीत अलहवत इज कम बैक, मीत अलहवत फिर से वापसी आ चुका है, और देखने लायक दिलचस्प विषय और भी बन चुका है, जिसमें आप लोग जानते ही हैं कि मीत अलहवत को ना कोई हरा पाया है और ना कभी हराएगा। वहीं बात की जाए मीत हुड्डा की, तो मीत हुड्डा से अब पूरी बात बताता हुआ नज़र आने वाला है मनमीत के भेष में क्यों था मीत अलहवत। जी हाँ, वहीं बात की जाए सरकार की, तो सरकार इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में है कि आखिरकार होगा क्या और कैसे होगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में दिलचस्प मोड़ आ चुका है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी एक नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि नज़ारा ही इस तरीका का है इस समय कि सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक भी हैं। मीत हुड्डा की बात की जाए तो मीत हुड्डा इस समय बोलती हुई नज़र आने वाली हैं सरकार से कि एक्सीडेंट तेरी वजह से हुआ है, इसलिए तुझको कोई भी नहीं बचा सकता, ये याद रखना। और वाकई में दोस्तों, मीत हुड्डा जब कोई चीज़ प्रण कर लेती हैं तो उसे फिर पाने के लिए या उसे फिर खोने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, उसे ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और मीत हुड्डा को पता है कि मेरे बाबूजी को जो चोट लगी है वो सरकार की वजह से ही लगी है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक